मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, मलकागिरी वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तेलंगाना से भ्रष्ट कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री मांगम रंगा रेड्डी जी, एन रामचंद्र राव जी, श्री गोली मधुसूदन रेड्डी जी, श्री एन वी एस एस प्रभाकर जी, श्री श्याम सुंदर गौड़ जी, श्री डॉक्टर एस मल्ल रेड्डी जी, आर के श्रीनिवास जी, श्यामा रंगा रेड्डी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे मलकाजगिरी के लोकसभा प्रत्याशी श्री एटेनला राजेंद्र जी और कैंटोनमेंट के प्रत्याशी श्री वंश तिलक जी, जोर से ताली बजाइए दोनों के लिए। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती पर विराजमान पेदम्मा अम्मा वरु को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकसभा का चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मित्रों, तीसरी बार एटेला राजेंद्र को दिया हुआ एक एक वोट उनके नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हुए, एक भारतीय जनता पार्टी और इंडी अलायंस का, और दूसरा इंडी अलायंस। भाइयों बहनों, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं और इंडी अलायंस अलग अलग दलों को मिलकर मिला है। मित्रों, ये चुनाव है उसमें साफ खेमे पड़े हैं, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल है, दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जिन पर 25 पैसे का करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी है। एक और 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली के दिन भी छुट्टी न मनाने वाले और दीपावली के दिन देश की सरहदों पर जवानों के साथ जाने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड जाने वाले राहुल बाबा है।
भाइयों बहनों, एक और चार चार पीढ़ी से इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल गांधी, चार पीढ़ी से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी है, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 80 करोड़ गरीबों के लिए घर, गैस, शौचालय, बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाइयां और घर में नल से जल देने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ आपका चॉइस क्या है, राहुल बाबा है या नरेंद्र मोदी है? जोर से बोलो, क्या है आपका चॉइस? और जोर से बोलो, क्या है चॉइस? मैं पूर्व जाता हूं, पश्चिम जाता हूं, उत्तर जाता हूं, दक्षिण जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं भाइयों। और आज मलकागिरी के युवा जो नारे लगाए हैं, वो ही नारे देश भर के युवा लगा रहे। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, दो चरण समाप्त हो चुके हैं, मैं आज आपको दो चरण का रिजल्ट बताने आया हूं। दो चरण में अपने मोदी जी 100 से ज्यादा कई सीटें जीतकर मजबूती के साथ 400 की ओर बढ़े। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, बीआरएस और मजलिस, तीनों तुष्टिकरण करने वाली पार्टी। तुष्टिकरण की एबीसीडी अगर लिखी जाए तो ए से ओबीसी, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस होती है। भाइयों बहनों, ये लोग, ये तीनों पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए रामनवमी के जुलूस की अनुमति रद्द करने वाले हैं। मुझे बताओ मलकागिरी वालों, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या ये कांग्रेस पार्टी मना सकती है क्या? बीआरएस मना सकती है क्या? ओवैसी मनाने देंगे क्या? आप डरिए मत, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और तेलंगाना वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 पार कर गए, आप तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए। मेरा तेलंगाना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में सारे वादे पूरे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, जब धारा 370 हटाई जा रही थी, ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हो गए और कहने लगे मत हटाओ। मैंने पूछा, राहुल बाबा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कि इसको हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी।
भाई और बहनों, आज मल्कासगिरी में मैं बताने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया। 10 साल तक एक कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक सोनिया मनमोहन प्रधानमंत्री थे, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को आपने 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर, भाइयों बहनों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अगर होने वाला तो है नहीं, मगर ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, अगर ये इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कोई है? मैं एक एक करकर पूछता हूं, शरद पवार जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ममता जी को बना सकते हैं? स्टालिन साहब को बना सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? अब हंसना मत, हाँ जरा हंसना मत, राहुल बाबा को बना सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता है, बना सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछ लिया कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल सब बनेंगे। अरे इंडी अलायंस वालों, ये परचूरण की दुकान नहीं है कि एक एक साल की पार्टनरशिप से चलेगा, ये देश आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, कोरोना जैसी महामारी आए तो ये इंडी अलायंस वाले संभाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, संभाल सकते हैं? ये देश को आज की स्थिति में केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी संभाल सकते हैं। भाई और बहनों, आप मल्कासगिरी वालों, मुझे जोर से बताना जरा, आप सभी ने कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया है या नहीं लगाया? जोर से हाथ ऊपर कर बताओ, दोनों वैक्सीन लगे हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? उल्टा मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में दोनों वैक्सीन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कहते थे? राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है, ये तो अच्छा है, तेलंगाना वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने वैक्सीन लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया। अब राहुल बाबा ने देखा कि पूरे देश ने लगाया है, रात को भाई बहन चुपचाप रात के अंधेरे में वो भी वैक्सीन लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो, आपकी बस चलती तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने
तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण रखा है। मैं आज तेलंगाना वासियों को बताकर जाता हूं, ये मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। भाई और बहनों, मैंने ऐसा कहा तो मेरे वीडियो को एडिट कर लोगों में प्रचार करने लगे कि मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठे लोग। मोदी जी के पास 10 साल से बहुमत है। अपने बहुमत का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण हटाने में नहीं किया, 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, देश को सुरक्षित करने में किया, राम मंदिर बनाने में किया। भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है इस देश में से, आरक्षण को हम किसी को नहीं हटाने देंगे, किसी को नहीं हटाने। भाई और बहनों, एटेला जी, हमारे मजबूत पिछड़ा वर्ग के ओबीसी नेता है। मैं आज यहां आया हूं तब एटेला जी की ओर से आप सभी को अपील करने आया हूं कि यहां एक आरआर टैक्स चल रहा है, तेलंगाना में एक आरआर टैक्स। आरआर टैक्स क्या है मालूम है? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी टैक्स। आरआर टैक्स, जरा जोर से बोले, कौन सा टैक्स? और आरआर टैक्स की उगाही कर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। भाई, आरआर टैक्स में पैसा किसका जाता है? तेलंगाना की जनता रखा जाता है। ये तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने, तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, चिंता मत करिए, हमारे दोनों प्रत्याशी को जिता दो, ये एटीएम में कैश न हो इसकी चिंता हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर में 2500 किलोमीटर का राजमार्ग नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। रीजनल रिंग रोड परियोजना 20,000 करोड़ की, 350 किलोमीटर की नरेंद्र मोदी लेकर आए। 1100 करोड़ के आवंटन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नरेंद्र मोदी लेकर आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 6000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने दिया। तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा 4 वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी ने चालू की। 26,000 करोड़ से तेलंगाना के रेलवे का विकास हो रहा है। 1,000 करोड़ से सिकंदराबाद और चेलापल्ली रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। और तेलंगाना में बीबी नगर में एम्स बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। हासन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन 2200 करोड़ की नरेंद्र मोदी दा रहे हैं। 2000 करोड़ से कृष्णापट्टनम हैदराबाद तक पेट्रोल पाइपलाइन नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। और 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को पुनर्जीवित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। और हल्दी बोर्ड बनाकर तेलंगाना के हल्दी के किसानों को हमेशा के लिए हल्दी के रेट मिले, इसकी व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी ने की। भाइयों बहनों, ये रेवंत रेड्डी जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने, अभी अभी उन्होंने मेरे सामने एक केस दर्ज किया है। मगर मैं रेवंत रेड्डी की तरह रोऊंगा नहीं, मैं हाईकोर्ट जाकर इसको कॉस कराऊंगा। रेवंत रेड्डी, कान खोलकर सुनो, ये केंद्र के इशारे पर तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, ये लोग
आपका उपयोग कर 6 तारीख के बाद आपको छोड़ने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, पूरा देश फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, अपील करने आया हूं, तेलंगाना से कम 12 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बताइए भाई मल्काजगिरी वालों, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? 400 पार कराओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।